After Effects के इस ट्यूटोरियल में हम तीन अलग अलग टाइप की स्क्रीन इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे बिना किसी प्लगइन के। इस साल पुराने जमाने के डिजाइन ट्रेंड्स एंड इफेक्ट्स आर कमिंग बैक एंड वी कैन ऑल एग्री कि आज की डिजिटल दुनिया में रेट्रो एस्थेटिक्स किसी भी प्रोजेक्ट को इंस्टेंटली स्टैंड आउट करवाते हैं। सो आज हम 1980s के डब्बे वाले टीवी का लुक रिक्रिएट करेंगे। अब आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि टेक्स्ट, वीडियो या फिर किसी भी चीज को इस तरीके से कैसे दिखाया जाए कि वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर है। तो इसलिए आज सिर्फ एक नहीं बट दो टाइप की कंप्यूटर स्क्रीन क्रिएट करेंगे एंड फॉर ऑल ऑफ दिस हम इसी पैनल से 13 इफेक्ट्स यूज करने वाले हैं। और कुछ इफेक्ट्स तो ऐसी हैं जिनके नाम आप पहली बार सुनने वाले हो। हमारी फर्स्ट इफेक्ट मॉडर्न एलईडी स्क्रीन्स और पुराने जमाने के सीआरटी टीवीज और मॉनिटर्स का एक मिक्सचर है। तो मैंने ये ब्लू सॉलिड के ऊपर एक टेक्स्ट लेयर ऐड कर दिया है। द फॉन्ट इज पीएफ वीडियो टेक्स्ट जो कि पेड है, लेकिन टेंशन मत लो, आपके लिए एक फ्री ऑल्टरनेटिव मैंने ढूंढ कर रखा है। गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ये फॉन्ट और इस वीडियो में यूज होने वाले सारे एसेट्स डाउनलोड कर लो ताकि इट इज इजी फॉर यू टू फॉलो अलॉन्ग। डाउनलोड किए हुए फोल्डर में आपको एक नोट मिलेगी, यार ये जरूर पढ़ना। सो विल राइट क्लिक ओवर हियर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और इस पे वी विल ड्रॉप एन इफेक्ट कॉल्ड सीसी बॉल एक्शन। ये करते ही सब कुछ पिक्सेलेट हो जाएगा और हमें ऐसे ही टाइप का लुक चाहिए, बट वी नीड टू मेक सम चेंजेस। इस इफेक्ट से अपनी स्क्रीन पे बहुत सारे बॉल्स आ जाते हैं और विजुअल्स उनके अंदर से दिखते हैं। ग्रिड स्पेसिंग्स है, इनके बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं जिससे फिर इनकी तादाद बढ़ेगी या घटेगी। एंड बॉल साइज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो एलईडी लाइट्स वाली इफेक्ट के लिए हमने दोनों पैरामीटर्स को कम करना पड़ेगा। We'll set these to 3 and 50, and as you can see, पूरी स्क्रीन बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड हो गई है। अब इनकी एजेस काफी शार्प है, तो इसी एडजस्टमेंट लेयर पे we will add Gaussian blur for getting a smooth blended look. टेक्स लेयर पे वी विल हैव दी ड्रॉप शैडो इफेक्ट। अब यार ये शैडो वाली चीज पुराने जमाने की टीवी और मॉनिटर्स में देखने को मिलती थी बिकॉज ऑफ द वे सीआरटी डिस्प्लेज यूज्ड टू वर्क। एलईडी स्क्रीन्स पे शैडोज नहीं आते, लेकिन यार क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो ये सही लग रहा है। तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। नाउ सर्च फॉर टाइपराइटर और ये कर्सर वाला टेक्स लेयर पे ड्रॉप कर दो। This will straight away create a simple typing animation. Speed में कोई changes वगैरह करने, select the text layer and press U. आपको दो keyframes दिखेंगी जिनसे ये create हुआ है। ये end वाली को आगे खींच दो to increase the duration और बीच में add some extra keyframes by clicking on this button next to the slider parameter. इनके बीच का distance बढ़ाने पर we'll be getting some pauses in the typing. अब अपनी screen थोड़ी dull लग रही है, so we'll search for glow and drop it on the adjustment layer. These are the settings that I am using. अब अपने हिसाब से changes कर लेना। This is before and this is after adding the glow. इसी पर we will also add another effect called optics compensation. Field of view को बढ़ाएंगे to maybe 55, जिससे अपनी screen पुराने TVs की तरह अंदर की तरफ curved हो जाएगी। इन edges को smooth करने, create a new adjustment layer और इसपे Gaussian blur डालकर increase it to 45. लेकिन इससे पूरी video affect हो रही है। तो जब हमें कोई चीज सिलेक्टिव एरियाज में लगानी होती है, इन दिस केस दी एजेस, तब अपन मास्किंग यूज करते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके पेन टूल से एजेस के जस्ट अंदर की तरफ एक मास्क ड्रॉ करो। फिलहाल एवरीथिंग इनसाइड द मास्क इज गेटिंग ब्लर्ड, सो सिलेक्ट द लेयर, प्रेस M 2 times टू ओपन द मास्क प्रॉपर्टीज एंड क्लिक ऑन इनवर्ट। इससे वो इफेक्ट मास्क के बाहर लगेगी। फेदर और एक्सपांशन एडजस्ट करो अंटिल यू सी द ब्लर happening on the edges. अब ये सारी effects adjustment layer पे डालने का फायदा ये है कि अगर इसके नीचे कोई नए objects ले आए, be it any shape, logo या image वगैरह, तो उनपे भी same look apply हो जाएगा। अब आप maybe सोच रहे होंगे कि यार drop shadow इसी पर add क्यों नहीं किया? That is because ये सारी properties object की size के हिसाब से change करनी पड़ती है, तो we cannot make this as a universal effect by dropping on the adjustment layer. और उसी वजह से हर layer पे individually add करनी पड़ेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इफेक्ट जो कि लो क्वालिटी LCD डिस्प्लेस को मिमिक करता है। वी हैव अ 1080p वीडियो इन अ 4K कॉम्पोजिशन। इसकी स्केल बढ़ाकर मैंने 300 करी है और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर दिया है। सर्च फॉर एन इफेक्ट कॉल्ड ग्रिड और इस पे ड्रॉप कर दो। जब तक मैं अलग से नहीं बताता, हम सारी इफेक्ट्स इसी पे डालेंगे। नाउ विल चेंज द ब्लेंडिंग मोड टू स्टेंसिल अल्फा। इससे अपनी वीडियो ये लाइंस के अंदर से दिखेगी। बॉर्डर को चेंज करके इनकी थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। We'll keep this at 4. अब जहां से वीडियो फिलहाल नहीं दिख रही, यानी कि all of these boxes, if we click on invert, तो visibility switch हो जाएगी। Then, come to this drop down and select the third option. इनको आगे पीछे करके, we can change the horizontal and vertical distance between these lines.
दोनों को 7.5 कर दो एंड दैट गिव्स यू द पिक्सल इफेक्ट दैट वी सी ऑन द स्क्रीन्स। इसके बाद वीडियो क्वालिटी कम करेंगे बाय एडिंग गॉजियन ब्लर विद द वैल्यू एज 3। इससे लाइंस भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। एक चीज और, सस्ते डिस्प्लेस पे कलर्स उतने अच्छे नहीं दिखते, द कॉन्ट्रास्ट इज लो, यानी ब्लैक्स और व्हाइट्स जितने डार्क और ब्राइट होने चाहिए उतने नहीं होते। सो विल सर्च फॉर कर्व्स लाइक वी डू इन लाइफ, एड करके इस पॉइंट को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे खींचो, फिर दो पॉइंट्स बीच में डालो एंड मेक इट समथिंग लाइक दिस। दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। इसके बाद ऑब्वियसली वी विल एड द ग्लो इफेक्ट। ये है मेरी सेटिंग्स, डू द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वीडियो दैट यू हैव, देन विल एड सम टेक्स्ट ऑन द वीडियो। भाई अब एक चीज समझो, रेड ग्रीन और ब्लू लाइट को मिक्स करके स्क्रीन पे कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। रेड एंड ग्रीन मेक येलो, ग्रीन एंड ब्लू मेक साइयन, एंड रेड प्लस ब्लू रिजल्ट इन मजेंटा। फुल ब्राइटनेस पे तीनों मिलकर व्हाइट बनाते हैं। ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड एडिटिव कलर मिक्सिंग। और जब ये अच्छे से नहीं होती, हमें वो इंडिविजुअल कलर्स थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, इसको कलर फ्रिंजिंग बोलते हैं। और आप देख सकते हो कि इस बंदे के डिस्प्ले पे वही इशू है। तो ये इम्परफेक्शन क्रिएट करने, सर्च फॉर VR डिजिटल ग्लिच, ओपन अप डिस्टॉर्शन और कलर डिस्टॉर्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ जीरो कर दो। कॉम्प्लेक्सिटी की मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड दैट्स फाइन। यू विल सी कि हमने वो मिक्सिंग वाला इशू रिक्रिएट कर दिया है, बट दिस इज टू मच। हल्का सा ही फ्रिंजिंग चाहिए, सो कलर डिस्टॉर्शन 20 कर दो। इसके बाद एड पोस्टराइज टाइम एंड मेक द फ्रेम रेट एज 15। इससे वीडियो अटक अटक के चलेगी एंड दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरी चीप डिस्प्लेस। फाइनली ड्रॉप द ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट और ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द स्टॉपवॉच नेक्स्ट टू ओपेसिटी। इसे नीचे की तरफ ये विंडो खुलेगी, विल टाइप द विगल एक्सप्रेशन। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मेरी ये वीडियो देख लेना, इसमें अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस को डिटेल में कवर करके हमने वो इफेक्ट्स क्रिएट करी है जो बड़े बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं। सो ये टाइप करके बाहर क्लिक कर दो। इससे हमने एक हल्की सी फ्लिकर इफेक्ट क्रिएट करी। जब पावर सप्लाई में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं तब वी गेट टू सी दिस। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड स्क्रीन इफेक्ट, और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। लेट्स से ये न्यूज आर्टिकल मुझे किसी वीडियो में यूज करना है। अब सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा ना तो वो बहुत ज्यादा प्लेन लगेगा, इसलिए इस पे एक पैटर्न ऐड करेंगे जिसका इंस्पिरेशन आता है पुराने जमाने के डब्बे वाले टीवीज से। जब कभी सिग्नल या इनका डिस्प्ले खराब होता था तब ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती थी, तो इसको हल्का सा कस्टमाइज करके रिक्रिएट करेंगे। आई हैव इंपोर्टेड द स्क्रीनशॉट और एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर दिया है। बाय द वे, इससे याद आया, मेरी फिल्म वैन गो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इट वॉज ऑफिशियली सिलेक्टेड इन 4 नेशनल फेस्टिवल्स और अयोध्या में बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म का अवार्ड जीती थी। द प्लॉट इज अबाउट सेल्फ डाउट एंड चेजिंग परफेक्शन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और क्योंकि आप सब आर्टिस्ट हो, इसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को जरूर देखोगे। तो जब मैं इसका टीजर बना रहा था, आई थॉट व्हाट इफ आई मेक अ वीडियो ऑन द मेकिंग ऑफ द टीजर, जिसमें मैं अपनी सारी थॉट प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट टाइप ऑफ कंटेंट। सर्च फॉर एन इफेक्ट कॉल्ड वेनेशियन ब्लाइंड्स, ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन द एडजस्टमेंट लेयर। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दिस इज एट 0%। इफ आई इंक्रीज दिस टू 50, विल सी अ लॉट ऑफ वर्टिकल लाइंस। बेसिकली ये इफेक्ट स्क्रीन को स्लाइसेस में कट कर देता है। आप ऐसे समझो कि किसी लेयर पे अगर मल्टीपल रेक्टेंगल मास्क लगा दें तो वी विल अचीव द सेम काइंड ऑफ इफेक्ट, लेकिन इससे वही चीज काफी इजी और फास्ट हो जाती है विद अ लॉट ऑफ कंट्रोल। डायरेक्शन जीरो है इसलिए द कट्स आर वर्टिकल, लेकिन इसको 90 कर दें तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। विड्थ से बेसिकली ये डिसाइड होता है कि ये कट्स कितने मोटे या पतले होंगे, और इसी के बेसिस पे देयर टोटल नंबर विल इधर डिक्रीज और इंक्रीज। ये बॉर्डर्स को स्मूथ करने वी इंक्रीज द फेदर, जस्ट लाइक वी डू इट इन मास्किंग। फाइनली अगर ट्रांजिशन कंप्लीशन जीरो है तो इफेक्ट अप्लाई नहीं होती। इसको बढ़ाने पर कट्स दिखने लगेंगे और हर एक की साइज इक्वली इंक्रीज होते जाएगी। एट 100% ईच ऑफ दीज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द विड्थ, इन दिस केस इट इज 100 pixels, और फाइनली वो इमेज या वीडियो पूरा कट जाएगा। फॉर आवर इफेक्ट विल सेट दीज पैरामीटर्स एज 5, 14 and 4। इसके बाद स्क्रीनशॉट की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में आकर विल इंक्रीज द स्केल और पोजीशन की फ्रेम्स के थ्रू एक सिंपल एनिमेशन क्रिएट करेंगे जिसमें ये धीरे धीरे ऊपर जाता है। अब ये पूरा आर्टिकल बहुत ही क्लीन और शार्प दिख रहा है, गिविंग ऑफ दैट परफेक्ट डिजिटल वाइब। लेकिन पुराने टीवीज की इमेज क्वालिटी ना इतनी क्लियर थी और टेक्स्ट में भी डिस्टॉर्शन दिखता था। सो फर्स्ट वी विल एड वेव वॉर्प ऑन द एडजस्टमेंट लेयर। इस इफेक्ट को ड्रॉप करते ही वेव्स जनरेट होती है। हाइट से बेसिकली ये डिसाइड होता है कि डिस्टॉर्शन कितना होगा एंड विड्थ इज फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स। अब इस मूवमेंट को अपन एकदम तेज
या फिर स्लो कर सकते हैं थ्रू वेव स्पीड. वी कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ दीज वेव्स, जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, एंड दैट इज थ्रू वेव टाइप. और फाइनली डायरेक्शन से वी कैन डिसाइड कि इनको कहाँ लेकर जाना है. अपनी इफेक्ट के लिए छोटी और धीरे धीरे मूव करने वाली सर्कुलर वेव्स चाहिए. सो कॉपी द सेटिंग्स दैट आई एम यूजिंग. इससे टेक्स्ट पे हल्की सी डिस्टॉर्शन और मूवमेंट दिखेगी. देन एड गॉशियन ब्लर विद द वैल्यू एज 7 टू डिक्रीज द क्लैरिटी. फिर वीआर डिजिटल ग्लिच, जो हमने पिछली एलसीडी स्क्रीन वाली इफेक्ट में यूज किया था, सेट द कलर डिस्टॉर्शन एज 15. इसके बाद ऑफ कोर्स एड सम ग्लो. सेटिंग्स देख लो भाई. इसके बाद सर्च एंड ड्रॉप द नॉइज इफेक्ट. सेट द अमाउंट एज 20. इसे स्क्रीन पे पुराने टीवीज की तरह थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाएगा एंड विल गेट रिड ऑफ दैट क्लीन डिजिटल लुक. देन वी विल ऐड सीसी विनियट. इस इफेक्ट से अपन लेयर की एजेस को डार्क कर सकते हैं. अमाउंट से उसकी इंटेंसिटी डिसाइड होती है एंड एंगल ऑफ व्यू इज फॉर डिसाइडिंग कि पूरे लेयर का कितना एरिया अफेक्ट होगा. अब अगर ये इफेक्ट सिलेक्टेड है तो एक छोटा सा सर्कल दिखेगा. इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यू कैन डिसाइड कि लेयर के कौन से पार्ट पे लाइट डालनी है. वही सर्कल की पोजीशन आप ये कोऑर्डिनेट्स के थ्रू भी चेंज कर सकते हो. तो इनकी वैल्यूज को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे ताकि हेडलाइन पे फोकस जाए. बिफोर एंड दिस इज आफ्टर. अब ये दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक, प्री कंपोज. इस प्री कंपोज्ड लेयर पे विल ड्रॉप टू इफेक्ट्स. द फर्स्ट इज ऑप्टिक्स कॉम्पेंसेशन, स्क्रीन को कर्व्ड करने. इसको अंदर वाले एडजस्टमेंट लेयर पे नहीं डाला बिकॉज ये और वो विनीशियन ब्लाइंड्स जब साथ रहते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, इसलिए दोनों को अलग अलग बिठाओ. देन एड पोस्टराइज टाइम विद द फ्रेम रेट एज 15 बिकॉज वेव्स और आर्टिकल की मूवमेंट अटक अटक के चाहिए. फाइनली एक नया एडजस्टमेंट लेयर बनाकर गॉशियन ब्लर और मास्किंग की मदद से स्क्रीन की एजेस को ब्लर कर दो, जैसे हमने एलईडी वाली इफेक्ट में करा था. तो हमने जो 3 स्क्रीन इफेक्ट्स बनाई है इन सब को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं. जैसे एलईडी लाइट्स वाली में न्यूज आर्टिकल लगाना है तो यू कैन डू दैट. न्यूज आर्टिकल वाली स्कैन लाइंस किसी वीडियो पर चाहिए तो एडजस्टमेंट लेयर के नीचे उसको ड्रॉप कर दो. सो अपने मन के हिसाब से जो इजी लगे, जिसमें मजा आए वो करो. भाई जब अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो भाई यार हाथ मिलाओ, बिकॉज बहुत कम लोग इतने लंबे तक देखते हैं और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हो. सो गो टू द कमेंट सेक्शन, राइट 10% क्लब, फिर मुझे बताओ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा और फिर आने वाली वीडियोस में आपने क्या क्या सीखना है, बिकॉज यू नो कि मैंने ये वीडियो आपके कमेंट्स देखकर ही बनाई है. चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.